उज्जैन के बेगमबाग क्षेत्र में रैली पर हुआ पथराव, करीब 14 कार्यकर्ता हुए घायल, गाड़ियों में भी हुई तोड़फोड़। उज्जैन के बेगमबाग क्षेत्र में राम मंदिर निर्माण के धन संग्रह हेतु महाकाल मंदिर के पास भारत माता मंदिर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कार्यकर्ता बाइक रैली से जा रहे थे, उसी समय बेगमबाग क्षेत्र में पथराव हो गया जिसमें 14 के करीब कार्यकर्ताओं को चोट लगी। पथराव की सूचना मिलते ही तुरंत उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह और एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला सहित पुलिसकर्मी पहुंचे और बिगड़ती हुई स्थिति को संभाला। पत्थरबाजी करने वाले युवकों को पकड़कर हिरासत में लिया। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस अधिकारियों ने नियंत्रण किया। घायल कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया हॉस्पिटल में पहुंचे और कार्यकर्ताओं से चर्चा की और पूरी स्थिति को जाना, साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए। बिगड़ी हुई व्यवस्था को सुधारने के साथ ही सांसद अनिल फिरोजिया ने भोपाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को घटनाक्रम की पूरी जानकारी दी। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।